फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नेक लवर। दोस्तों, हमें आज चैत्य दुर्गा स्थान दौलतपुर के पास से कॉल आई है और हमारे मित्र आकाश जी ने यहां से हमें कॉल किया है और ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है, छोटी दौलतपुर चैत्य दुर्गा स्थान के पास निकल जाता हूँ, इनके लिए इनको बुलाए हुए। तो दोस्तों, आप आइए, हम आपको साफ दिखाते हैं। धीरे धीरे चल रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक चेकल कील बैक स्नेक है। ये पानी वाला सांप है, वाटर स्नेक। हालांकि ये नॉन वेनमस होता है, लेकिन ये एक बहुत एग्रेसिव स्नेक होता है, काटने की कोशिश करता है। तो अब हम लोग इसका रेस्क्यू करेंगे। एक छोटा सा डंटा है, छोटा सा पैर से भागना उगना नहीं, अगर भागेगा ना छोटा सा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हम लोग इस स्नेक का रेस्क्यू करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही गुस्सा वाला सांप होता है। ये गुस्साता बहुत जल्दी है और भागने की बहुत कोशिश करता है। तो हम चाहेंगे कि इसे डब्बे में बंद कर दे अच्छी तरह से रेस्क्यू करके। ये काटने की कोशिश कर रहा है, अब ये काटने की कोशिश कर रहा है, ये जंप ले रहा है। देखिए देखिए ये किस तरह डिब्बे को काटने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, ये हालांकि बहुत गुस्से में था, फिर भी हमने इसका बहुत अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया है। और दोस्तों, ये वाटर स्नेक है, इसे इंग्लिश में चेकल कील बैक स्नेक भी कहा जाता है और ये वेनमस नहीं होता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत काटता है। और हम लोग इसे कल फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे, तो बाकी की जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्नेक को हमने कल रेस्क्यू किया था छोटी दौलतपुर चैत्य दुर्गा स्थान के पास, और चेकल कील बैक स्नेक है और ये बहुत गुस्से में था कल और अभी भी गुस्से में है। तो इसे हम लोग रिलीज करने आए हैं, आप लोग जरा पूरा ले लीजिए, देख लीजिए कहाँ है सी। हम लोग इसे तालाब के किनारे छोड़ने आए हैं दोस्तों, क्योंकि ये सांप पानी में रहता है और इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, बहुत बार ये सुना गया है, ये बहुत को बोलते हैं कि जिसको भी ये सांप काट लेता है तो उसको फिर कोई सांप दोबारा नहीं काटता, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। ये सांप कोई भी हो, अगर आप उसको परेशान करोगे, उस पर पैर रख दोगे गलती से भी, तो वो काटेगा ही आपको। तो चलिए, अब हम इसको रिलीज करते हैं और इन अंधविश्वासों में बिल्कुल ना है कि ये सांप अगर आपको काटता है तो फिर आपको कोई सांप नहीं काटेगा। सही है, बहुत सही है।